Hello friends, I am Anand Sridham and welcome to Republica Sridham YouTube channel. जैसा कि आप जानते हैं Republica Sridham YouTube channel Republica Online University के तहत काम करता है. दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी न्यूज लाया हूं और वह यह है कि BPSC यानी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का 553 पोस्ट EPO का आया है. EPO यानी असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर सहायक अभियोजन अधिकारी का BPSC ने पोस्ट निकाला है, वैकेंसी निकाला है और इसकी फॉर्म भरने की प्रक्रिया 7 फरवरी से स्टार्ट आरंभ हो जाएगी. फॉर्म भरने की ही बातें पहले हम लोग कर लें तो फॉर्म भरने का जो डेट है, जो एप्लीकेशन प्रोसेस होगा वह होगा, रजिस्ट्रेशन आप 7 फरवरी से आरंभ हो जाएगा और यह 21 फरवरी यानी 15 दिन आपको मिल रहा है. ठीक है, क्योंकि काफ़ी छोटा टाइम है इसलिए जल्दी से आप लोग फॉर्म भर लेंगे. दूसरा है कि जो पेमेंट का प्रोसेस है वह 26 फरवरी तक होगा. ठीक है, जिस दिन हम लोग फॉर्म भरते हैं, रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, उसके अगले दिन 11 बजे के बाद पेमेंट का ऑप्शन आपके पास आता है, लिंक दिया जाता है और पेमेंट जिस दिन होता है उसके अगले दिन मॉर्निंग में 11 बजे के बाद फॉर्म भरने की जो फाइनल प्रक्रिया होती है वह पूरी होती है. तो 3 दिन का प्रोसेस है. ठीक है, जो फाइनल जो डेट होगा फॉर्म भरने का वह होगा 6 मार्च तक का. ठीक है, तो यह 7 फरवरी से आरंभ हो जाएगा और 21 फरवरी तक आप फॉर्म भर सकते हैं. फिर पेमेंट करने का ऑप्शन 26 फरवरी तक मिलेगा और फाइनल फॉर्म 6 मार्च तक भर सकते हैं. तो बहुत ही एक खुशी की बात है कि EPO की इतनी बड़ी वैकेंसी 553 पोस्ट की आई है. अब थोड़ा सा हम लोग देख लें कि EPO होता क्या है. जो असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर होता है वह क्या होता है, तो सहायक अभियोजन पदाधिकारी का काम है कि सरकार का पक्ष रखना, यानी कचहरी में, न्यायालय में, ठीक है, कोर्ट्स में सरकार का यह पक्ष रखता है, सरकार की पैरवी करता है. शॉर्टकट में अगर यह कहें तो यह वैसा अधिकारी है जो कि सरकार की बातों को सामने रखता है. यह जनरली लोअर कोर्ट में होता है. ठीक है, जिसे आप सरकारी वकील भी सिंपल सी भाषा में आप कह सकते हैं. तो काफ़ी महत्वपूर्ण पद है और काफ़ी इसमें अच्छा ग्रोथ होता है, जिसकी चाहत सबको होती है. अब हम लोग देख लें कि यह जो 553 पोस्ट है, 553, इसमें जनरल के लिए, क्योंकि बहुत बड़ा पोस्ट है, बहुत ज़्यादा पोस्ट है, इसमें जनरल के लिए 225 पोस्ट है और जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लोग हैं तो इनके लिए 55 सीट. ठीक है, 10% रिजर्वेशन दे दिया गया है. तो काफ़ी ज़्यादा यह बन जा रहा है. 280 पोस्ट यहाँ से आ रहा है जनरल कैटेगरी के लिए. फिर इसमें जो OBC हैं उनके लिए 74 पोस्ट बन रहा है, EBC के लिए 88 पोस्ट बन रहा है और जो पिछड़े वर्ग की महिला है उनके लिए 22 पोस्ट बन रहा है. इन दोनों को मिला देंगे तो कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा. तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है. फिर जो SC है, SC के लिए 88 बन रहा है और ST के लिए एक पोस्ट है. बिहार में ST की संख्या 9 के बराबर है. फिर जो फ्रीडम फाइटर हैं उनके लिए 11 पोस्ट और जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं उनके लिए अलग अलग कैटेगरी में 23 पोस्ट है. तो यह तो हो गया कैटेगरी वाइज पोस्ट. तो सब के लिए इसमें देखिए कि काफ़ी अच्छा खासा, अच्छी संख्या है, आप लोग संतुष्ट हो सकते हैं. अब इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है, सिलेक्शन प्रोसेस को हम लोग देखें कि क्या सिलेक्शन प्रोसेस है.
अच्छा एज की बात पहले कर लें, तो एज का जो मानक होगा, एज जो काउंट होगा वह होगा 1 अगस्त, ठीक है। लगभग सभी एग्जाम में, यूपीएससी में भी 1 अगस्त को काउंट किया जाता है, यहाँ भी 1 अगस्त को पैमाना बनाया गया है। तो 1 अगस्त 2019 को पॉइंट बनाया गया है, यानी आपका 37 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए, 21 से 37 साल जनरल्स के लिए, ठीक है, 21 साल से अधिक होना चाहिए और 37 साल से नीचे होना चाहिए। लेकिन इसमें 3 इयर्स का रिलैक्सेशन है, जो महिला वर्ग हैं उनके लिए 37 के बदले 40 है, फिर ओबीसी के लिए भी 40 है, ईबीसी के लिए भी है, तो उनका 37 साल के बदले 40 साल, और जो एससी और एसटी हैं उनके लिए 42 साल, तो 40 इयर्स हो गया, और इधर 42 इयर्स हो गया, और जो जनरल हैं उनके लिए 37 हो गया, ठीक है। तो 3 कैटेगरी हो गया एज का। अच्छा, पिछली वैकेंसी के आलोक में जिनका एज 1 अगस्त 2013 और 13 से लेकर के 2019 के बीच आ रहा है, ठीक है, यानी 13 के बाद उनका 37 प्लस में चले गए, वो भी फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है, लेकिन अनियोग्यता वो होल्ड कर रहे हों, करते हों, ठीक है, अन्य सारी योग्यता उनके पास होनी चाहिए, तो यह एक रिलैक्सेशन दिखता है। चूंकि यह पोस्ट एक लंबे गैप के बाद आता है, इसलिए ऐसा किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ भी आपको 6 साल का एक एज रिलैक्सेशन दिख रहा है, और यह सबके लिए होगा, तो एक बहुत बड़ी राहत है हर एक कैटेगरी के लिए, ये 6 साल का, यानी एक्स्ट्रा 6 साल आपको मिल जा रहा है। अब जो सिलेक्शन प्रोसेस है, वह सिलेक्शन प्रोसेस में 2-3 एग्ज़ाम होगा, और पीटी का एग्ज़ाम, फिर मेंस का एग्ज़ाम और इंटरव्यू का एग्ज़ाम। पीटी का एग्ज़ाम का मार्क्स नहीं जुड़ता है, मेंस का जुड़ता है फाइनली, और इंटरव्यू का जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनता है। जो पीटी का एग्ज़ाम होगा वो क्वालिफाइंग होता है, और इसमें 2 पेपर होगा, जीएस का 1 पेपर होगा 100 मार्क्स का, और दूसरा पेपर लॉ का होगा 150 मार्क्स का होगा। अब ये तो पीटी हो गया, क्वालिफाइंग हो गया। अच्छा, इसमें नेगेटिव मार्क्स भी होगा, नेगेटिव मार्क्स 1/4 होगा, तो इसमें यह काफ़ी महत्वपूर्ण है, 1/4 मार्क्स नेगेटिव मार्क्स, इसलिए आपकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए, तुक्का नहीं लगा सकते। जो मेंस होगा तो मेंस में टोटल 7 पेपर होगा, और 7 पेपर में पहला पेपर आपका जीएस होगा 100 मार्क्स का, फिर दूसरा जनरल हिंदी होगा, ये भी 100 मार्क्स का होगा, तीसरा इंग्लिश होगा, ये भी 100 मार्क्स का होगा, और इसके बाद जो होगा वह होगा आईपीसी, इंडियन पेनल कोड हो गया 1860, यहाँ से 150 इस पेपर में, 4th पेपर में 150 मार्क्स, फिर भारतीय साक्ष्य अधिनियम यहाँ से भी 150 मार्क्स का होगा, फिर दंड प्रक्रिया संहिता यहाँ से भी 150 मार्क्स, और अन्य विधि जिसमें भ्रष्टाचार अधिनियम, पॉक्सो वगैरह आदि चीज़ें हैं, विस्फोटक पदार्थ शास्त्र अधिनियम आदि जैसी चीज़ें हैं, तो वो इसमें होगा अन्य विधि में, ठीक है। लॉ में यहाँ पर पीटी में भी वही चीज़ें होगी, आईपीसी, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, दंड प्रक्रिया संहिता आदि ऐसी चीज़ें होगी। साथ ही इसमें भारतीय संविधान का मौलिक समझ आपकी होनी चाहिए, वहाँ से ही प्रश्न बनता है, ठीक है। तो यह तो मेंस के लेवल पर हो गया 7 पेपर। जो लॉ बैकग्राउंड वाले हैं उनके लिए इन सारी चीज़ों में जो 4th पेपर है, 5th है 6th है 7th है, बहुत ज़्यादा दिक्कतें नहीं आएगी। फिर इंटरव्यू 100 मार्क्स का होगा, ठीक है, मेंस एग्जाम में क्वालिफाई करने के बाद। अब है कि एलिजिबिलिटी क्या होगी, तो एलिजिबिलिटी जो होगी वह जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए वह चाहिए, लॉ ग्रेजुएट होने चाहिए, तो लॉ ग्रेजुएट में दोनों हैं, जो 3 इयर्स वाले हैं और जो 5 इयर्स वाले हैं,
5 ईयर्स में क्या होता है, ग्रेजुएशन और लॉ दोनों एक साथ होता है, ठीक है, और केवल 3 ईयर्स वाले में ग्रेजुएशन के बाद लॉ होता है। तो दोनों एलिजिबल हैं, 3 ईयर्स वाले भी और 5 ईयर्स कोर्स जिन्होंने किया है वो भी इनके लिए एलिजिबल हैं। सैलरी लेवल 9 का होगा तो एक बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है, 5400 के पे ग्रेड पर होगा। तो यह आपकी मोटा मोटी चीज़ें बन रही है एपीओ के लिए, असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर। काम क्या होगा इसको हम लोग देख चुके हैं, सिलेबस को देख चुके हैं, एप्लीकेशन प्रोसेस है उसको हमने देख लिया है। इसका डिटेल में आप लोगों को जानकारी और भी चाहिए होगा तो www.bpscbihar.nic.in पर जाकर के आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर डिटेल में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। वैसे मोटा मोटी हमने सारी बातों को आप लोग के सामने रखा है, फिर किसी दिन हम लोग डिटेल में इसके सिलेबस पर चर्चा करेंगे या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाद बाकी आप लोग रिपब्लिका श्रीधरम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और यह वीडियो आप अपने फ्रेंड्स दोस्त यार तक भी शेयर करेंगे, कोई आवश्यकता हो तो कमेंट भी करेंगे, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें हम रिपब्लिका IAS जो ऐप है उस पर हम डालते हैं, तो रिपब्लिका IAS ऐप को भी आप लोग प्ले अपने प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेंगे, और कोई आवश्यकता होगी तो नंबर दिया हुआ है 7678599093, उस पर भी आप जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर भी यही है रिपब्लिका का। तो फ्रेंड्स चलिए हम किसी अन्य दिन इसके बारे में और अधिक जानकारी के साथ हम आपके सामने मैं प्रस्तुत होऊंगा। आज के लिए विदा चाहता हूँ, ओके फ्रेंड्स, बाय, टेक केयर।